नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका वीकेएस फिजिक्स एकेडमी। इस वीडियो में मुख्यतः हम बोर्ड परीक्षाओं के बारे में चर्चा करेंगे। कक्षा 10, कक्षा 12, मुख्य रूप से कक्षा 12 के अंदर जो गाइडलाइन सरकार ने दी हैं कि उनका पेपर पैटर्न कैसे रहेगा, पेपर कब होंगे, प्रायोगिक परीक्षाएँ कब होंगी, क्या वो पहले होंगी या मुख्य परीक्षा के बाद में होंगी, और एक सिस्टम अभी और है कि आपको स्कूल के अंदर जाके आपका जो गृह कार्य है वो स्कूल में जमा होगा, उसके नंबर भी आपको दिए जाएंगे। तो इन सभी के बारे में जो भी आपका कन्फ्यूजन है वो मैं यहाँ पे दूर करने वाला हूँ। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों से शेयर ज़रूर करें ताकि सभी विद्यार्थियों के पास ये वीडियो पहुँचे, ताकि सभी विद्यार्थियों के जितने भी कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाएँ और वो बिल्कुल निश्चिंत होकर अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से जारी रख सकें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कक्षा 9 से 12 हेतु यहाँ पर कुछ गाइडलाइंस दी गई हैं। जिज्ञासा समाधान और मार्गदर्शन के लिए अभिभावकों की सहमति से विद्यालय में आने वाले कक्षा 9 से 12 के विद्यार्थियों को जिज्ञासा समाधान के अतिरिक्त विद्यालय आने के दौरान सप्ताह भर के लिए गृह कार्य होमवर्क भी दिया जाएगा। जो गृह कार्य उनको दिया जाएगा वो विद्यार्थी अपनी विषयवार यानी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपनी नोटबुक बनाएगा और उसमें उसको रिकॉर्ड करेगा, उसमें नोट्स बनाएगा और उसको सप्ताह में एक बार उसको जांच भी किया जाएगा। जो आपके सब्जेक्ट टीचर हैं वो क्या करेंगे, उन गृह कार्य को जांच भी करेंगे। ऐसा क्यों है, इसमें देख सकते हैं आप कि इंटरनल नंबर जो आपको दिए जाते हैं स्कूल की तरफ से, 14 नंबर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में दिए जाते हैं और 20 नंबर नॉन प्रैक्टिकल में दिए जाते हैं, वो नंबर आपके पूरे साल के अंदर अटेंडेंस के अकॉर्डिंग दिए जाते हैं। इस साल स्कूल तो लगे नहीं तो अटेंडेंस तो कहाँ से होगी। तो फिर इन्होंने क्या किया कि जो आपको गृह कार्य दिया जा रहा है उसको आप अच्छे से नोट करें और उसको नोट करने के बाद वो कॉपी आपकी जमा होगी स्कूल के अंदर, तो उसको आधार बनाते हुए और आपको नंबर है वो इंटरनल नंबर दिए जाएंगे। तो इसमें क्या बदलाव किए गए हैं, कितने नंबर आपको दिए जाएंगे, उसके बारे में अभी हम वीडियो में आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो संशोधित पाठ्यक्रम वो मैंने पहले ही आपको बता दिया है, लगभग एक महीना पहले ही वो आ चुका था कि किस प्रकार से टॉपिक हटाए गए हैं, क्या अभी आपके पास पढ़ने के लिए बचा है। तो मैं एक वीडियो ऐसी बनाऊँगा जिसके अंदर आप किस तरीके से अपनी तैयारी करें ताकि आप फिजिक्स के अंदर अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें। कक्षोन्नति का आधार वार्षिक या बोर्ड परीक्षा ही होगा, यानी आगे वाली कक्षा में डायरेक्ट प्रमोट नहीं किया जाएगा, वार्षिक परीक्षा होगी उसके आधार पर ही आगे वाली कक्षा में भेजा जाएगा। बोर्ड परीक्षा हेतु 20% अंक आंतरिक मूल्यांकन के और 80% अंक लिखित परीक्षा के निर्धारित हैं प्रायोगिक विषयों के अतिरिक्त। इसके बाद बोर्ड परीक्षा में जो निर्धारित 20% अंक हैं आंतरिक मूल्यांकन के अंक जो हैं उनका आधार जो विद्यार्थी अपने गृह कार्य पुस्तिका बनाएगा उसके ऊपर बेस होगा और वो जो आपकी बुक है वो आपके परीक्षा से पहले ही विद्यालय में जमा करवाई जाएगी, तो उस बुक के आधार पर आपको नंबर दिए जाएंगे। मैक्सिमम नंबर यहाँ पे 20% होंगे। अब हम बात करें कक्षा 11 और 12 के प्रायोगिक विषयों के अंदर। देखिए पहले क्या होता था, जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं उनमें बोर्ड परीक्षाओं में 14 नंबर भेजे जाते हैं स्कूल से, 30 नंबर का होता है प्रैक्टिकल और 56 नंबर का होता है उनका बोर्ड का पेपर जो भी सब्जेक्ट का है प्रैक्टिकल विषयों में, और नॉन प्रैक्टिकल के अंदर 20 नंबर भेजे जाते हैं और बाकी के जो है उनका एग्जाम होता है। तो वैसा ही सिस्टम यहाँ भी है, बस इसमें देखिए आप किस तरीके से दिया गया है कि प्रायोगिक अंकों के अतिरिक्त शेष अंकों का 20% होगा, जैसे जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, जीव भूगोल में 14, इनमें 14 नंबर दिए जाएंगे और चित्रकला में और संगीत में 6 अंक दिए जाते हैं। तो देखिए पहले ये अटेंडेंस के अकॉर्डिंग दिए जाते थे 14 नंबर जो है, अब आपको जो गृह कार्य पुस्तिका बनाएंगे, नोट्स बनाएंगे वो जमा होगी उसके आधार पर है। तो नंबर्स में तो कोई चेंज नहीं किया गया है, नंबर तो वैसे ही हैं जैसे पहले दिए जाते थे, बस मेन डिफरेंस इतना ही है कि पहले आपको पूरे साल के अटेंडेंस के अकॉर्डिंग दिए जाते थे और अब आपको जो आपकी नोट्स की कॉपी है जो आप प्रत्येक विषय की बनाएंगे वो आप स्कूल में जमा करवाएंगे और उसके आधार पर आपका रिकॉर्ड बनेगा और फिर आपके नंबर हैं वो लगेंगे। तो 14 नंबर ही आपको मिलेंगे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में, जो नॉन प्रैक्टिकल है वहाँ पर आपको मिलेंगे 20 नंबर। अब बात करें हम
प्रैक्टिकल की। तो प्रैक्टिकल जो है वो आपके मुख्य परीक्षा के बाद होंगे। मुख्य परीक्षाएं 15 मई तक निर्धारित की गई हैं, यानी 15 मई तक स्टार्ट हो जाएंगी, 15 मई के बाद ही होने वाली हैं। पहले परीक्षाएं होंगी, फिर प्रैक्टिकल होंगे। तो प्रैक्टिकल के अंदर क्या है, प्रैक्टिकल 30 नंबर का होता है, वैसे ही अभी भी है 30 नंबर का। तो यहाँ पर यह भी कहा गया है कि कक्षा 11 और 12 के जिन विषयों में प्रायोगिक परीक्षाओं का प्रावधान है, उन विषयों के विद्यार्थी जिज्ञासा समाधान हेतु विद्यालय आने के साथ, जो अभी विद्यार्थी विद्यालय जा रहे हैं, कुछ विद्यार्थी जा रहे हैं अपनी जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए या जो भी अपने कन्फ्यूजन दूर करने के लिए, वो जो लेबोरेटरी है वहां पर एक प्रयोग एक बार में जरूर करें और अपने प्रायोगिक कार्य की तैयारी करें। यानी आप उसको एक प्रैक्टिकल एक दिन में करवाएं, तो जैसे भी है उसकी जो रिकॉर्ड है वो तैयार करवाएं। तो 30 नंबर के अंदर से 15 नंबर तो उसके रिकॉर्ड के दिए जाएंगे और 15 नंबर जो बाद में मुख्य परीक्षा होगी प्रैक्टिकल की, उसके दिए जाएंगे। तो इस तरीके से उनका टोटल जो मार्क्स है वो 100 ही रहेगा। अब बात करते हैं हम पैटर्न्स की, कि पैटर्न है वो परीक्षा का कैसा रहेगा। तो पैटर्न के अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पहले क्या होता था, स्मॉल अति लघुतरात्मक प्रश्न आते थे, एक नंबर के, दो नंबर के भी आते थे, दो नंबर में न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, फिर तीन नंबर के भी आते हैं और फिर चार नंबर के भी आते हैं निबंधात्मक प्रश्न। तो इस तरीके से 56 नंबर का टोटल पेपर होता है। अब क्या होगा, जो बड़े प्रश्न हैं तीन नंबर वाले, चार नंबर वाले, उनको कम किया जाएगा। हो सकता है एक प्रश्न आपको मिल भी जाए, टोटल 12 नंबर के तीन प्रश्न आते थे, तो उसमें अगर आप चार नंबर का एक प्रश्न दे दिया जाएगा तो आठ नंबर जो बच गए, उन आठ नंबर का क्या करेंगे, वो एबएसएदे वाले ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न दे दिए जाएंगे उसकी जगह, और छोटे प्रश्न जो है यानी अति लघुतरात्मक प्रश्न जो है वो उनको डाल दिया जाएगा। यानी बहुवैकल्पिक प्रश्नों को भी सम्मिलित किया जा रहा है। अब अन्य अति लघुतरात्मक, लघुतरात्मक और निबंधात्मक प्रश्नों में आंतरिक चयन, जैसे यथा, जैसे या, उसके अंदर उनमें से किसी दो में से कोई एक करना हो, अथवा या कोई दो, जैसे चार दे दिए जाएंगे क्वेश्चन के अंदर, उसमें से कोई दो कीजिए, इस टाइप के विकल्प आपको उपलब्ध करवाए जाएंगे। और निबंधात्मक प्रश्नों की संख्या है वो कम की जानी है। जैसे पहले अगर तीन आते थे तो उसमें हो सकता है एक आपको मिले, दो वहाँ पर नहीं मिलेंगे, उनकी जगह छोटे प्रश्न वो पेपर में बना दिए जाएंगे। तो ये पेपर पैटर्न जो है वो 15 जनवरी तक आपको एक मॉडल पेपर उपलब्ध हो जाएगा, और जैसे ही मॉडल पेपर आएगा उसकी फिर से हम विस्तृत चर्चा करेंगे। और इसके बाद मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि कौन से चैप्टर के अंदर, कौन से टॉपिक के अंदर आप छोटे प्रश्न ज़्यादा कवर करें, किसमें बड़ा प्रश्न बनने की संभावनाएं हैं, कहाँ से न्यूमेरिकल आने की संभावनाएं हैं। तो अगर आपका पहले से सारा सिस्टम एग्जस्ट होगा तो आप उसके अनुरूप तैयारी करेंगे तो आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं बोर्ड परीक्षा में। लेकिन उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आप तक पहुँचे। जो भी नए विद्यार्थी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएँ और अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स तक इसे पहुँचाएँ, ताकि सभी को एकदम सही तरीके से जानकारी मिले और वो अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से जारी रख सकें। धन्यवाद।